एवरीवन, वेलकम टू स्किलबस ट्रेनिंग्स। आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केटिंग कैंपेन्स, किस तरीके से इन मार्केटिंग कैंपेन्स को बनाया गया, क्या विजन रहा होगा इन मार्केटिंग कैंपेन्स के पीछे, क्या मिशन रहा होगा, क्या एग्जैक्टली ये मार्केटिंग कैंपेन्स की स्ट्रैटेजी रही होंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट्स हैव अ क्विक कॉन्वर्सेशन। वी ऑल नो दैट टाइम चेंज हो रहा है, हमें टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा, अपनी स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी, अपना स्किल सेट बढ़ाना पड़ेगा, अपना रिज्यूमे बिल्ड करना पड़ेगा। तो अगर आप भी अपना रिज्यूमे बिल्ड करना चाहते हैं, अपना स्किल सेट बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एंड कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं वेबसाइट पर, एंड्रॉइड ऐप पर एंड iOS ऐप पर। आप कोर्स में जाके कोर्स का करिकुलम देख सकते हैं, कोर्स का हाईलाइट्स देख सकते हैं। आपको यहाँ पर मिलेंगे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इसके अलावा आपको मिलेगा लाइव प्रोजेक्ट, जिस लाइव प्रोजेक्ट से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी एंड आपको मिलेगा डाउट फोरम ताकि आप अपने डाउट्स पूछ सके। प्रीव्यू में जाके आप डेमो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए आपको एग्जैक्टली कोर्स में क्या मिलेगा। एंड यू कैन यूज प्रोमो कोड अपग्रेड फॉर अमेजिंग डिस्काउंट्स। लेट्स बिगिन द वीडियो। सो द फर्स्ट कंपनी इज विक्स। इनका कैंपेन आया था हैशटैग टच ऑफ केयर। ये कैंपेन था रिलेटेड टू अ ट्रांसजेंडर। यहाँ पर एग्जैक्टली स्टोरी क्या रही थी? द टच ऑफ केयर कैंपेन इज अ स्टोरी ऑफ अ ट्रांसजेंडर इंडियन मदर हु अडॉप्ट्स एन ऑर्फन चाइल्ड गायत्री। ये स्टोरी थी एक ट्रांसजेंडर इंडियन मदर की जिन्होंने एक ऑर्फन चाइल्ड को अडॉप्ट किया था। वहां पे इसके अराउंड ये पूरा स्टोरी रिवॉल्व किया था, ये वीडियो रिवॉल्व किया था। इस कैंपेन का विजन क्या था? इस कैंपेन का विजन था टू ब्रेक द ट्रेडिशनल नॉर्म्स। द कैंपेन रीडिफाइंस दैट द फैमिली केयर इन इंडिया गोज बियॉन्ड बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स और अ सरनेम। एक बायोलॉजिकल रिलेशंस और सरनेम के बियॉन्ड फैमिली केयर को यहाँ पर दिखाया गया था। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कॉज मार्केटिंग का। कॉज मार्केटिंग होती क्या है? इट बेसिकली लिंक्स अ कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज टू अ सोशल कॉज और इशू। अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को या सर्विसेज को किसी सोशल इशू से कनेक्ट कर देना, लिंक कर देना, इस टाइप की मार्केटिंग को हम कॉज मार्केटिंग कहते हैं, जिसके अंदर हमने एक कॉज पे, एक स्पेशल कॉज को, यहाँ पर अगर आप देखो तो एक सोशल कॉज है दैट इज अबाउट ट्रांसजेंडर्स। इस सोशल कॉज को इन्होंने अपने प्रोडक्ट के साथ लिंक कर दिया और किस तरीके से दिखाया कि फैमिली केयर इन इंडिया गोज बियॉन्ड बायोलॉजिकल रिलेशंस और अ सरनेम। तो इस तरीके से इन्होंने केयर और बायोलॉजिकल रिलेशंस को लिंक किया ताकि ये ऑडियंस को सोशल कॉज की तरफ ले जा सके एंड साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट को भी पिच कर सके। यहाँ पर इनका मिशन क्या था? यहाँ पर इनका मिशन था दैट फॉर डेकेड्स विक्स हैज स्टूड फॉर मदर्स केयर एंड बाय शोकेसिंग द रियल लाइफ ऑफ गौरी एंड गायत्री द ब्रांड हैज सेट एन एजेंडा फॉर फैमिली केयर इन द कल्चर एट लार्ज। इस तरीके से ब्रांड ने अपना एजेंडा सेट कर दिया फॉर फैमिली केयर। तो किस तरीके से कॉज मार्केटिंग की जाती है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था विक्स। नाउ द नेक्स्ट कंपनी इज एडिडास। फैन द फायर। इस कंपनी की स्टोरी किस तरीके से है दैट द फैन द फायर इज द स्टोरी ऑफ एन 18-year-old Indian athlete Nishay Luthra aiming to win a medal in figure skating at the Winter Games 2018. Now आपने सोचा होगा यार ये कौन सा गेम है फिगर स्केटिंग, हमने तो कभी नहीं सुना। हमने तो सुना है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने रेसलिंग सुन ली है। ये कौन सा नया सा स्पोर्ट्स आ गया? फिगर स्केटिंग। नाउ ये जो कैंपेन था इसका विजन भी कुछ यही था। Adidas wants to trigger awareness and recognition for athletes who pursue less recognized sports. ये कैंपेन पूरा इसीलिए बनाया गया था ताकि एक अवेयरनेस फैलाई जा सके, एक रिकग्निशन बनाई जाए उन एथलीट्स को लेके जो कि लेस रिकग्नाइज स्पोर्ट्स को परस्यू करते हैं, क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एक नॉन स्पोर्ट्स माने जाते हैं, बट शायद से फिगर स्केटिंग जैसे स्पोर्ट्स के बारे में लोगों को इतना नहीं पता होता। एंड एडिडास ने ऐसे स्टोरी को उठाया, निशे लूथरा की जो कि एक ट्रू स्टोरी है उसको उठाया एंड उस स्टोरी का एक इस तरीके से एड बनाया so that they trigger the awareness and recognition for athletes who pursue less recognized sports. Now, इस पूरे ही कैंपेन का मिशन क्या रहा? The campaign urges fans to support Nishay and we hope that the encouragement of better known athletes will help him gain the necessary patronage to reach his aim of winning a medal at the Winter Games in 2018. It was also an example of cause marketing, how क्योंकि इन्होंने अपने प्रोडक्ट को एक कॉज से लिंक कर दिया, एंड दैट कॉज वाज कि जो लेस परसिव स्पोर्ट्स होते हैं, लेस रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स होते हैं, उनको एक रिकॉग्निशन मिल सके, उनको एक अवेयरनेस मिल सके, एंड इस रिकॉग्निशन एंड अवेयरनेस को ट्रिगर किया गया ऑडियंस के माइंड में, एंड थ्रू दिस ट्रिगर दे ऑल्सो अटैच देयर प्रोडक्ट टू इट. तो इन्होंने भी एक कॉज मार्केटिंग ही यूज किया था इस कैंपेन के लिए. Now the next campaign or the next company is Cool Winx. इनका जो campaign था that is Open Your Eyes. ये campaign जो था इसके पीछे जो story थी that was a 15-second ad shows how three men sitting outside a cafe make assumptions that a woman will fail to parallel park her vehicle. The ad goes on to highlight the stereotypical mentality of men, how it should to be open to their eyes to reality. इस स्टोरी में एग्जैक्टली हुआ क्या था कि एक लड़की थी, वो अपनी कार पार्क करने की कोशिश कर रही थी और कैफे में तीन लड़के बैठे हुए थे जिन्होंने उस लड़के को देख के सोचा एंड उसको टीज किया दैट ये तो पार्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि इट इज अ स्टीरियोटाइप मेंटालिटी दैट लड़कियों को ड्राइविंग नहीं आती है, लड़कियों को पार्किंग नहीं आती है. तो ये पूरी स्टोरी ही इसके अराउंड रिवॉल्व की, एंड जब उस लड़की ने बहुत ही मास्टर तरीके से, एक एक्सपर्ट तरीके से अपनी गाड़ी को पार्क किया, शी सेड टू द बॉयज ओपन योर आईज. सो दिस वाज अ कैंपेन. नाउ इस कैंपेन का एग्जैक्ट विजन था कि दे वांट टू ब्रेक द common notion that eyeglasses make people look uncool and establish the fact that stylish and snazzy eyeglasses are a great way to make a fashion statement. तो ये story का विजन इस तरीके से इन्होंने मोल्ड किया कि ये हमारा एक नोशन है, हम ये चाहते हैं कि लोग जो है आई ग्लासेस को, लोग चश्मों को एक अनकूल तरीके से ना देखें, रादर दे देखें स्टाइलिश तरीके से. नाउ इस पूरे कैंपेन का मिशन क्या रहा? इस पूरे ही कैंपेन का मिशन था through their premium ad positioning, they expected a hike in their brand search queries and a boost in their overall digital campaign performance, and which exactly happened through their this ad. कि उन्होंने एक अपनी positioning बना ली, उन्होंने इस कैंपेन के थ्रू अपना एक क्लासी लुक, आई ग्लासेस का एक पूरा ब्रांड पोजिशनिंग कर लिया. Now the next company is OLX, that is 6 months breakup challenge. OLX का ये कैंपेन आया था which is 6 months breakup challenge. इसके पीछे exactly story थी that the ad featured young individuals having things lying around their house that they don't use it regularly. तो इस पूरे ही कैंपेन का विजन क्या रहा? इस पूरे ही कैंपेन का विजन रहा था टू एनकरेज पीपल टू ब्रेक अप विद दोज थिंग्स बाय सेलिंग देम ऑन OLX. लोगों को एनकरेज किया जाए कि ब्रेकअप कर लो उन चीजों से जो आप 6 महीने आप नहीं यूज कर रहे हो. एंड उनका मिशन क्या था? द मिशन वॉज द कंपनी थ्रू द कैंपेन urges people to sell pre-owned goods that they haven't used it for last 6 months. 6 महीने तक उन्होंने एक प्रोडक्ट देखा कि यार हम नहीं यूज कर रहे, तो go and sell that product, go and break up with that product. And this was the OLX campaign, that is 6 months breakup challenge. तो हर कैंपेन के पीछे कुछ स्ट्रैटेजी थी कि इस तरीके से हम कैंपेन को बनाएंगे सो दैट इस तरीके से हम पिच कर पाए. तो हर कैंपेन के पीछे, हर मार्केटिंग कैंपेन के पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है. तो जब भी आप कोई एडवर्टीजमेंट देख रहे हो, डोंट सी इट जस्ट फॉर द फन और डू नॉट स्किप इट. आई वुड रियली एडवाइज डू नॉट स्किप द एडवर्टीजमेंट, वॉच द एडवर्टीजमेंट वेरी केयरफुली. अगर आप मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अगर आप इन फ्यूचर परस्यू भी करना चाहते हैं मार्केटिंग में, तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप कोई भी एड या एडवर्टीजमेंट स्किप ना करें, उसको बहुत ध्यान से देखें कि क्या लॉजिक है उसके पीछे, क्या लॉजिक है कि उन्होंने ये स्टोरी दिखाई, क्या लॉजिक है, क्या वो रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, क्या वो कॉज के साथ अपने प्रोडक्ट को लिंक कर रहे हैं, किस तरीके से वो आपके इमोशंस को ट्रिगर कर रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग इज मोर अबाउट ट्रिगरिंग द इमोशंस. किस तरीके से उन्होंने आपके इमोशंस को ट्रिगर किया, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. तो हर एडवर्टीजमेंट को देखो, एटलीस्ट एक बार देख के रियलाइज तो करो कि एग्जैक्टली उसके पीछे स्टोरी क्या थी, क्या लॉजिक क्या था उसके पीछे. तो अगर आपको इस टाइप के वीडियोस और चाहिए जिनके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंपनीज के कैंपेन्स को डिस्कस करें, या अगर आप कोई चाहते हो कि हम कोई पर्टिकुलर कंपनी के कैंपेन को डिस्कस करें, तो प्लीज़ कमेंट डाउन, ताकि हम उस टाइप की कंपनी को पूरा आपको उसका कैंपेन जो है, उसका मार्केटिंग कैंपेन, उसके पीछे क्या लॉजिक रहा उसको समझा पाए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।